49:23 है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमने स्कैनर लगाया, इसमें आपको बताते क्या प्रॉब्लम है। न्यू प्रॉब्लम है, आपके काफ़ी फ़ायदेमंद और काफ़ी शानदार इसमें प्रॉब्लम आपको दिखाएंगे। ये BS4 है, तो अभी इसमें स्कैनर लगाया है हमने, तो देखते हैं इसमें कौन सा फॉल्ट कोड आता है। ठीक है गाइस, ये हमारा स्कैनर आप देख सकते हैं, वहाँ से कनेक्ट है ये लीड, है ना। तो अभी हम इसमें कोड चेक करते हैं कौन सा कोड है। ठीक है, ओके ओके ओके, VDTC नो DTC फॉन्ट, यानी कि इसमें कोई भी कोड नहीं है एक्टिव में, और इनएक्टिव भी कोई कोड नहीं है, फिर भी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे भी आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं, करो स्टार्ट करो, हाँ न्यूट्रल है, ये अभी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अभी आपका इसको लाइव डाटा दिखाते हैं, हाँ एक्सीलेटर फुल फुल, इसका RPM तो पूरा ले रही है गाड़ी। अब आपको दिखाएंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, स्लो में गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है। अभी आप इसका रेल प्रेशर का ये देख सकते हैं, रेल प्रेशर कितना आ रहा है, 3 लाख नॉर्मल आना चाहिए, अभी ये डाउन हो गया है। अभी आप देखना गाड़ी कैसे मिसिंग करती है, गाइस आप देखना अभी ये स्लो में गाड़ी में किस तरीके, ये देखिए आप, अब इसका आप यहाँ पे देखना, ये देखना रेल प्रेशर का, ये आपके 3 लाख से कम नहीं आना चाहिए, 3 लाख बार का इसमें प्रेशर होना चाहिए, तो ये डाउन हो रहा है 3 लाख से 1 लाख पे पहुंच जा रहा है। गाड़ी मिसिंग कर रही है, आपको महसूस हो रहा होगा, ये देखिए, ये देखिए, ये बंद होने के चांस हो रहे हैं इसमें, जैसे कि एयर लेती है ना गाड़ी, उसी तरीके से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए, ये इस तरीके की प्रॉब्लम इसमें आ रही है गाइस, तो हम इसमें क्या चेक करेंगे वो आपको पूरा दिखाएंगे। तो बंद कर दो गाड़ी, बंद कर दो, गाइस हम गाड़ी के नीचे आ चुके हैं। यहाँ पे ये मेट्रोमीटर यूनिट सेंसर है पंप का, ये वाला, इसे बोलते हैं मेट्रिक यूनिट सेंसर, तो बस इसी को हम खोलेंगे और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। पकड़ना भाई, ये हमारा बिट बॉक्स, हमें चाहिए एक रेचिट और एक 6 नंबर एलेंकी, ये वाली, ठीक है, और हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये एलन की बोर्ड लग रहा है, एक ये लग रहा है और एक पीछे की तरफ है, इसे खोल लेना है। हाँ
गिरी आगे हाँ, वो तो गले में आ गई, पहचान है। गाड़ी बहुत गर्म हो रही है गाइस। अरे गाड़ी बहुत गर्म हो रही है पीछे का, इसको आपको थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत धक्का है इसमें। हाँ कुछ इस तरीके के इसमें ये एलन की बोल्ट है। ये देखिए गाइस, ये कुछ इस तरीके से इसका वायर भी हमें यहाँ से हटाना है। इसके वायर को आप पेचकस की मदद से हटाएंगे तो बेहतर रहेगा क्योंकि वो उसी बार खींचने से क्या ये कपलर टूट जाता है। इस तरीके से आप इसको दबा के निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। ये हमारा खुल चुका है मेट्रिक यूनिट सेंसर, ये पंप में लगता है। इसको कैसे चेक करेंगे, ये इस तरीके से इसमें आवाज़ आ रही है ना आपको, तो ये आवाज़ आ रही है तो इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें आवाज़ तेज आनी चाहिए, कम आ रही है। ये देखिए गाइस, इसकी आवाज़ साउंड चेंज हो चुका है, पहले से काफ़ी साउंड चेंज हो चुका है। अगर इसे हम लगा देंगे तो अभी शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हम इसमें नया डालेंगे। इसको डीजल से धो के फिर आप लगा दो, गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस ये हो चुका है सर्विस, हमने इसे डीजल से धो लिया है और इसमें इस तरीके का साउंड आना चाहिए। लगाने से पहले ये साउंड आप ज़रूर देख लें, अगर ये साउंड नहीं आ रहा है तो इसमें प्रॉब्लम है, ये चेंज करना पड़ेगा, नया डालना पड़ेगा। तो अभी हमारे ये कंप्लीट है, इसको लगा के हम आपको गाड़ी को स्टार्ट करके पूरी चेक करके बताएंगे क्योंकि इसका कोड है ना कभी कभी आता है और कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये जैसे अंदर से पूरी तरीके से प्रॉब्लम करेगा तभी इसका कोड आएगा, और ये आधा काम करेगा और आधा प्रॉब्लम करेगा ना तो कभी कोड नहीं आएगा। तो इसमें कोई फॉल्ट कोड नहीं आ रहा था लेकिन ये प्रॉब्लम कर रहा था। तो अब इसको हम फिर से लगा देते हैं। इसको लगा के लगाने ना अभी बंद तो नहीं करा, ये इसका कपलर हम फिर से लगा देंगे। ये गाड़ी न्यूट्रल हो चुकी है। हाँ एक मिनट रुकना, चाबी ऑन करना केवल। अभी देखिए गाइस कोई कोड नहीं आ रहा है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा लंबा राउंड लेगी क्योंकि
हमने जब वो सेंसर खोला है इसका, तो सारा डीजल वहाँ से निकल चुका है। तो इसमें डीजल लाइन में फिर से प्रेशर बनेगा, उसके बाद ही गाड़ी स्टार्ट होगी। तो इसमें एक बार ये लंबा राउंड लेगी, तो करिए स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, कोई कोट नहीं है। अब आपको लाइव डाटा चेक कराते हैं। एक्सीलेटर देना, फुल एक्सीलेटर देना। अरे फुल एक्सीलेटर देना। आरपीएम तो पूरा ले रही है गाड़ी। जो स्लो में जो प्रॉब्लम कर रही थी वो प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। तो आपका इसको ये देखिए, अब ये इससे डाउन नहीं होगा, 3 लाख से डाउन होगा नहीं। रेल प्रेशर सेंसर का प्रेशर, जो रेल प्रेशर होता है वो 3 लाख से डाउन होगा नहीं है। जो पहले हमारे कितना डाउन हो रहा था आपने खुद देखा होगा वीडियो में। तो अभी हम इसको, आप देखना 5 मिनट तक इसको स्टार्ट रखेंगे। जो पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम अब नहीं आएगी गाइस। अब ये 3 लाख से कम किसी सूरत कम नहीं होगा। आपको EDC लाइट चेक करा देता हूँ, इसमें EDC आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि कोई कोड होगा तो इसमें EDC आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई EDC नहीं है, मीटर क्लस्टर में कोई EDC नहीं है। और गाड़ी एकदम ओके हो चुकी है गाइस, इतनी देर में प्रॉब्लम आ चुकी होती है। अगर प्रॉब्लम होती तो इसमें आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी एकदम ओके है। एक बार फुल एक्सीलेटर देना। ले रही है 27 पर, पूरा सायरन बोलने दिया करो, उसके बाद गाड़ी का इग्निशन ऑन करके उसके बाद स्टार्ट करो। जब तक ये सायरन इसका बोलता है ना, तब तक आपको गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है गाइस। हाँ आपका एक बार कोड वोड चेक कर लेते हैं। गाड़ी ओके है गाइस, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए